हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी पालक की पूरियाँ। तो हम इनको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पालक को धोकर कुछ मिनट के लिए पानी छटने के लिए रख देंगे। उसके बाद पालक को काट लेंगे और फिर ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। और फिर हम आटा लेंगे और उसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। और फिर आटा को पालक के पेस्ट से हल्के हल्के हाथों से गूंथ लेंगे। और पालक हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। सर्दियों के दिनों में हम पालक को पूड़ियाँ बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती हैं। हम इन्हें किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं। देखो, हमारा आटा लग गया है और इसमें 1 चम्मच तेल लगा के इसको 5 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद हम छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे और पूड़ियाँ बेल लेंगे। पूड़ियों को बेलने के बाद हम कढ़ाई पर तेल गरम रख करेंगे और फिर पूड़ियों को सेकेंगे। और इसमें सेंटर से हल्का हल्का तेल, जहाँ गरम ज़्यादा रहता है, डालेंगे। देखो, हमारी पूड़ियाँ इस तरह से एक के बाद एक फूल रही हैं और हम इनको दो दो भी सेक सकते हैं। तो हमारी पूड़ी बनके तैयार।